दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने फिलिप्स ट्रिमर को हम अपने मोबाइल फोन के चार्जर से कैसे चार्ज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक अटैक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है फिलिप्स कंपनी का ट्रिमर QT4005। दोस्तों इसमें जो चार्जर लगता है वो है 4.3 वोल्ट 70 mA का। दोस्तों अगर इसका चार्जर खराब हो जाए तो ये आपको ऑनलाइन 600 से 700 रुपए के बीच मिलेगा और ऑफलाइन में तो थोड़ा मुश्किल ही मिल पाएगा। लेकिन मैं जो आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ तो उससे आप बड़ी आसानी से अपने स्मार्टफोन के चार्जर से ही अपने ट्रिमर को चार्ज कर सकते हैं, तो आपको अलग से चार्जर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप अपने घर में पड़े हुए पुराने फीचर फ़ोन के चार्जर को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसके लिए आप एक USB केबल बना सकते हैं। ये USB केबल बनाने के लिए आपको चाहिए 4007 के 4 डायोड, एक USB केबल और आपके ख़राब हुए फ्लिप्स ट्रिमर के चार्जर का आगे वाला कनेक्टर। आइए अब देखते हैं ये USB केबल कैसे बनाएं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम चारों डायोड को सीरीज में जोड़ लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। जब हम USB केबल के ऊपर वाली स्लीव हटाएंगे तो इसमें आपको 4 तारें मिलेंगी, जिसमें से रेड और ब्लैक हमें यूज करनी है, और जो इसके अलावा 2 कलर की वायर कोई भी हो सकती है वो हमें यूज नहीं करनी है, वो डाटा के लिए यूज होती है, तो उनको हम कट कर देंगे। अब हमारे पास ये 2 वायर बची हैं, एक रेड एक ब्लैक। तो रेड वाली वायर को हम डायोड के एनोड पर सोल्डर कर देंगे। ये देखिए यह है ट्रिमर के चार्जर का कनेक्टर। इसकी भी जब हम स्लीव हटाएंगे तो इसमें 2 वायर निकलेगी। नेगेटिव वायर हमेशा ब्लैक कलर की होगी, दूसरी वायर पॉजिटिव वाली जो है वो किसी भी कलर की हो सकती है। तो जो पॉजिटिव वायर है उसको हम डायोड के कैथोड पर सोल्डर करेंगे, और जो नेगेटिव वायर है वो सीधे ही USB की नेगेटिव वायर से कनेक्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी USB केबल एक तरीके से तैयार हो गई है। बस इसको आप हीट सिंक स्लीव डाल के इसको कवर कर दीजिए। अगर आपके पास हीट सिंक स्लीव नहीं है तो आप इसको PVC टेप से भी कवर कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से आपके पास एक यूएसबी केबल तैयार हो जाएगी, जिसके ज़रिए आप अपने स्मार्टफोन के चार्जर से ही अपने ट्रिमर को बड़ी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से चार्जर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।